गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं इनकम टैक्स का पहला चैप्टर, जो कि है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने तरीके का होता है, कौन टैक्स को लिवी कर सकता है और किसके पास पावर होती है टैक्स लॉ क्रिएट करने की। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली में टैक्स होता क्या है। सो टैक्सेस आर कंसिडर्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी में रहने के लिए जो भी आप खर्चा करते हो, उस खर्चे को माना जाता है कि वो आपके लिए टैक्सेस है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में रहते हो तो आपको हाउस टैक्स या फिर प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। अगर आप पानी यूज करते हो तो फिर उस पर आपको वाटर टैक्स देना पड़ता है, और आप अगर रोड्स का यूज करते हो तो फिर आपको टोल टैक्स भी देना पड़ता है। तो ऐसे जितने भी खर्चे होते हैं जो कि नॉर्मली सोसाइटी में आपको पे करने होते हैं, तो वो आपके लिए टैक्सेस माने जाते हैं। टैक्सेस आर लिविड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का जो भी कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर है, लाइक डिफेंस सर्विसेज को मेंटेन करना, पुलिस सर्विसेज को मेंटेन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना, तो ये सारे होते हैं हमारे कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर। कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट आपके ऊपर कुछ टैक्सेस लगाती है, जिससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है और उस रेवेन्यू से गवर्नमेंट ये सारे एक्सपेंडिचर्स करती है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। द फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स एंड द सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्सेस दो तरीके के हो सकते हैं, पहला है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। अभी इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने आपके ऊपर टैक्स लगाया, आपने क्या किया, किसी दूसरे बंदे से उस टैक्स को वसूल कर गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो ये चीज हो जाएगी इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इस केस में टैक्स का बर्डन आपके ऊपर था, आपने किसी और बंदे से ले लिया टैक्स और गवर्नमेंट को जमा करा दिया। दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। अगर गवर्नमेंट ने आपके ऊपर टैक्स लगाया है और आप खुद ही उस टैक्स को पे कर रहे हो, दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। इफ टैक्स इज लिविड डायरेक्टली ऑन द इनकम और द वेल्थ ऑफ द पर्सन, देन इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। अगर किसी भी तरीके का टैक्स पर्सन की इनकम पर या पर्सन की संपत्ति पर लगाया जाता है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। द पर्सन हु पेज टैक्स टू द गवर्नमेंट कांट रिकवर इट फ्रॉम समबडी एल्स, दैट इज द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स पे करता है, वो बंदा किसी और से डायरेक्ट टैक्स नहीं वसूल सकता, और इसी को हम लोग बोलते हैं द बर्डन ऑफ द टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। आपके ऊपर टैक्स लगाया गया है, सिर्फ आप ही टैक्स दोगे, कोई और टैक्स नहीं दे सकता। क्लियर? अगर हम लोग बात करें इनडायरेक्ट टैक्स के, सो इफ द टैक्स इज लिविड ऑन द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस, देन इट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। अगर किसी भी तरीके का टैक्स किसी भी गुड या फिर सर्विस के कॉस्ट पर लगाया जाता है, उसके प्राइस पे लगाया जाता है, तो उस टैक्स को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, GST और कस्टम ड्यूटी। तो इसके अंदर क्या है, द पर्सन हु पेज द टैक्स कैन पासेस द टैक्स इंसिडेंस टू अनदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सेलर हो, आप जब सामान खरीदने जाते हो तब आप GST पे करते हो, जब आप सामान बेचते हो तब आप GST कलेक्ट करते हो, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आप गवर्नमेंट को जमा करा देते हो। तो यहाँ पे हुआ क्या कि आप जब खरीदने गए तब आपने GST पे किया, आपके ऊपर टैक्स लगाया गया, लेकिन आपने अपने कस्टमर से टैक्स वसूल भी लिया। सो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। और यहाँ पे क्या हुआ, जो टैक्स इंसिडेंस था वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। आपने परचेजर को टैक्स दिया और कस्टमर से टैक्स लिया, सो दिस इज नोन एज शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन, और इसी टैक्स को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स आजकल अब दो ही रह चुके हैं, GST या फिर कस्टम ड्यूटी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स समझ में आ गया होगा। और जनरली इनकम टैक्स को ही डायरेक्ट टैक्स भी बोला जाता है और इसको टैक्सेशन भी बोला जाता है। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाई टैक्सेस आर लिविड, टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं। सो द रीजन फॉर द लिवी ऑफ द टैक्सेस इज दैट दे कंस्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। सबसे पहली चीज, गवर्नमेंट जो आपसे टैक्सेस लगाती है, ये टैक्सेस गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। गवर्नमेंट की जितनी भी रेवेन्यू होती है वो ज्यादातर टैक्सेस के जरिए होती है। रेवेन्यू सो रेस्ड इज यूटिलाइज फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट, लाइक डिफेंस, प्रोविजन फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक रोड्स, डैम्स एटसेट्रा। टैक्सेस से जितनी भी रेवेन्यू जनरेट होती है, इसको यूटिलाइज किया जाता है कुछ एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, और ये एक्सपेंसेस हो सकते हैं डिफेंस से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड,
हेल्थ केयर सिस्टम को मेंटेन करने के रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को बनाए रखने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में रोड्स आ जाते हैं, आपकी डैम्स आ जाते हैं, बाकी का जितना भी कंस्ट्रक्शन है वो सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। तो इसी वजह से टैक्सेस को लिवी किया जाता है और उनको कलेक्ट किया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं पावर टू लिवी टैक्सेस, कौन टैक्सेस को लगा सकता है और कौन टैक्सेस को कलेक्ट कर सकता है। ऐसा तो नहीं होगा ना कोई भी अरागैरा इंसान आपके ऊपर टैक्स लगा के चल दे और आप टैक्स पे भी कर रहे हो। तो किसके पास एक्चुअली में पावर है टैक्सेस को लिवी करने की? सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन इट्स आर्टिकल 265 लेज डाउन डेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने अपने आर्टिकल 265 में ये लिखा हुआ है, नो टैक्स शेल बी लिवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स ना तो लगाया जाएगा और ना ही वसूला जाएगा एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, सिर्फ और सिर्फ इसको लॉ कर सकता है। अकॉर्डिंगली फॉर लिवी ऑफ एनी टैक्स ए लॉ नीड्स टू बी फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। और इसी वजह से टैक्सेस को लगाने के लिए सबसे पहले उसके लिए कानून बनाना पड़ता है, एक लॉ फ्रेम करना पड़ता है और ये करती है गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ा सा पास्ट में चलूं, जब जीएसटी आ रहा था तो जीएसटी आने से पहले गवर्नमेंट ने एक जीएसटी लॉ बनाया था, उस लॉ का डॉक्यूमेंटेशन करके दोनों पार्लियामेंट हाउसेस में गए थे। पहले जो जीएसटी बिल था वो लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट ने उसको साइन किया और तब जाके वो जीएसटी लॉ बना। उसके बाद फिर जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया और फिर उसको कलेक्ट किया गया। तो इस तरीके से सारी चीजें चलती है। अगर गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स वसूलना है तो सबसे पहली चीज उसके लिए टैक्स लॉ क्रिएट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल में आप लोग याद रखना कि अभी जीएसटी जैसे बनाया गया था वही पूरा प्रोसेस चलता है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पावर टू लिवी एंड कलेक्ट टैक्सेस वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने खुद ही पावर दे रखा है टैक्सेस को लगाने का और टैक्सेस को कलेक्ट करने का, फिर चाहे वो आपके डायरेक्ट टैक्स हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्स हो। और ये पावर दे रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी टैक्स लॉ बनाया तो वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा, और अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लॉ बनाया तो वो उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स में एप्लीकेबल होगा। तो क्लियर हो गया ना कि किसके पास पावर होती है टैक्सेस को कलेक्ट करने की। तो इस वाली वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं, इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड्स।